तो दोस्तों अभी मैं हूँ प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि प्रतापगंज का रेक पॉइंट और प्रतापगंज में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है वो सब बताइए और प्रतापगंज से आगे जो है कितना काम हुआ है वो सब बताइए। तो वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं अभी प्रतापगंज स्टेशन पर हूँ, यहाँ से आगे चलूँगा और दिखाऊँगा कि कहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बैक कैमरा हम शुरू करते हैं और चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और रेक पॉइंट पूरी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो पर। तो ये है प्रतापगंज रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं हम प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ पर कोई ट्रेन वगैरह अभी नहीं है, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह। अभी तो बंद है शायद, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप ही लोगों के कमेंट पर जो है मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ से ये एंट्री गेट है और ये टिकट काउंटर, और यहाँ पर टिकट का फेयर लिखा हुआ है कितना है, 30 रुपया लिखा हुआ है, दो ही जगह लिखा हुआ है। और ये गाड़ी का टाइम टेबल, एक ही गाड़ी चलती है जो सहरसा से ललितग्राम के बीच, आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 बजे आती है और इधर से 1:39 में आती है और 40 में यहाँ से खुलती है। तो ये है टिकट काउंटर, दो टिकट काउंटर यहाँ पे है। तो ये देखिए, ये है प्रतापगंज रेलवे स्टेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पर खंभा लगा हुआ है, अभी तार वगैरह लगा नहीं है। इधर राघोपुर है और इधर ललितग्राम। तो खंभे वगैरह आपको दिख रहे होंगे, दूर दूर तक खंभे जो है लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी हम आगे आपको ले चलेंगे, आगे भी ले चलेंगे, उधर वो रेलवे ढाला है वहाँ पर, वहाँ पर भी ले चलेंगे और आपको दिखाएँगे। तो यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म रखा गया है और दूसरा जो प्लेटफॉर्म उस साइड में पहले बना हुआ था उसको तोड़ करके उस पर रेक पॉइंट बनाया गया है। जबकि प्रतापगंज रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पैसेंजर आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको ध्यान में नहीं रखा गया है। यहाँ पर 2 नंबर जो प्लेटफॉर्म था उसको तोड़ करके रेक पॉइंट के लिए जो है रखा गया है, बनाया गया है। तो यहाँ पर केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, इसी पर से ट्रेन का आना और जाना होगा और रेक पॉइंट पर जो है सामान वगैरह जो भी माल ढुलाई का काम है वो सब होगा। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी आपको लोग नज़र नहीं आएंगे क्योंकि कोई यहाँ पर ट्रेन है नहीं, कोई टाइम टेबल, मतलब एक ही ट्रेन यहाँ पर आती है। तो ये देख सकते हैं प्रतापगंज लिखा हुआ, तो यात्री यहाँ पर नहीं है क्योंकि ट्रेन अभी जो है यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई ट्रेन जो है आने वाली है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक खंभे जो है वो लगाए गए हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो वो कंप्लीट हो चुका है प्रतापगंज तक, लेकिन तार वगैरह नहीं लगा है। अभी आगे हम ले चलेंगे आपको राघोपुर की तरफ और उधर दिखाएंगे कि कहां तक तार लगा हुआ है। और ये प्रतापगंज है तो यहां पर तार वगैरह लगा हुआ नहीं है, लेकिन इससे आगे मैं उधर वहाँ पर एक जगह रुका था तो वहाँ पर तार लगा हुआ था। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। अभी इधर मैं नहीं जाऊँगा ललितग्राम की तरफ क्योंकि इधर भी जो सिर्फ खंभे वगैरह लगे हुए हैं, तार वगैरह नहीं लगा है, तो इधर जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। इधर जहाँ तक तार लगा हुआ है राघोपुर की तरफ, प्रतापगंज से राघोपुर की तरफ जहाँ तक तार लगा हुआ है वहाँ तक चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ तक जो है वायरिंग का काम हो चुका है। तो ये प्रतापगंज रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म है, जबकि 2 नंबर प्लेटफॉर्म को भी होना चाहिए था, ये बना हुआ था लेकिन इसको तोड़ करके रेक पॉइंट जो है वो बनाया गया है। अब रेक पॉइंट कितना कारगर साबित होगा ये तो मुझे नहीं पता। तो रेक पॉइंट जो है लगभग कम्प्लीट है बन करके, और उधर से एक रास्ता रखा गया है प्रतापगंज मार्केट होते हुए, जहाँ पर जो है मतलब रेक पॉइंट के लिए ट्रक वगैरह माल लेकर के आएगी। तो ये थी प्रतापगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर मतलब कुछ लोग है भी नहीं तो जिनसे मैं बात करूँ, पूछता उनसे कि मतलब ये जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म है इनको जो तोड़ दिया गया है और रेक पॉइंट बनाया गया है, ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर अगर 2 नंबर प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पर जो है लंबी दूरी की ट्रेन या फिर कोई एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो नहीं रुकेगी। तो एक ही प्लेटफॉर्म के सहारे है प्रतापगंज, और यहाँ पर केवल और केवल लोकल ट्रेन जो है वो चलेगी या फिर एक्सप्रेस को भी स्टॉपेज दिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में जो 2 ट्रेनें मिली है दोनों को स्टॉपेज यहाँ पर नहीं दिया गया है। राघोपुर के बाद ललितग्राम का ही स्टॉपेज है, तो अभी तो फ़िलहाल
वही एक डेमू ट्रेन चल रही है जो सहरसा से ललित ग्राम के बीच, और दूसरी ट्रेन की कोई अभी संभावना नहीं है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो इसी तरह चल रहा है, तो आगे हम आपको ले चलेंगे उधर राघोपुर की तरफ, और जहाँ तक तार लगा हुआ है वो आपको हम दिखाएंगे कि कहाँ तक तार जो है वायरिंग का काम हो चुका है। तो बने रहिए वीडियो पर, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि आप ही के रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करें। तो हम चलते हैं बाहर, हम बाइक जो है वहीं पे खड़ी कर दिए थे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये है एंट्रेंस, और इधर जो है बैठने के लिए यात्रियों को बनाया गया है। खैर ये सब तो अच्छा है, यहाँ पर पंखे वगैरह अभी नहीं लगाए गए हैं, लाइट का भी शायद लग रहा है मुझे काम यहाँ पर हुआ नहीं है, बल्ब वगैरह दिख नहीं रहा है। तो ये था प्रतापगंज रेलवे स्टेशन, और आपको अभी आगे ले चलेंगे जहाँ पर तार वगैरह जो है वो लग चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ, ये रही हमारी बाइक, यहीं पर हम बाइक खड़ी कर दिए थे, तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये है प्रतापगंज से पहले दुवनिया रेलवे ढाला, और यहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ तक वायरिंग का काम जो है वो हो चुका है, और यहाँ से आगे थोड़ी दूरी पर प्रतापगंज रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक वायरिंग का काम नहीं हुआ है, सिर्फ खम्भे जो है वो लगाए गए हैं। इधर प्रतापगंज है और इधर राघोपुर है, तो यहाँ से राघोपुर तक जो है या फिर कहें सुपौल तक, सहरसा तक, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का वायरिंग का काम जो है वो हो चुका है, और इधर प्रतापगंज तक अभी प्रतापगंज स्टेशन पर वायरिंग का काम नहीं हुआ है। ये रेलवे ढाला है, यहीं तक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है हुआ है, इसमें करंट वगैरह अभी नहीं दिया गया है। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि शायद हो सकता है इसमें करंट दे दिया गया हो, लेकिन इसमें करंट अभी नहीं दिया गया है। तो सामने प्रतापगंज रेलवे स्टेशन, और यहीं तक ये दुवनिया रेलवे ढाला है, दुवनिया पुल है यहाँ पर, और यहीं तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ है। मैं इधर से आ रहा था तो मैं सोचा कि आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्रतापगंज का इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दीजिए, तो मैं इधर आया तो मैं सोचा कि वीडियो बना करके आपको दिखा दूँ। और ये है रेलवे ढाला, दुवनिया रेलवे स्टेशन, दुवनिया चौक का, और इधर है राघोपुर, इलेक्ट्रिफिकेशन इधर कंप्लीट हो चुका है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।